हेलो फ्रेंड्स, मैं सब सीए याचना मूथा बुरट। हम कर रहे थे जीएसटी का क्विक रिवीजन फ्रॉम द समरी बुक। ये समरी बुक अगर आपके पास नहीं है तो मेरी वेबसाइट से आप प्लीज इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मोर ओवर कस्टम्स की समरी बुक भी अपलोड हो गई है वेबसाइट पे, वो आप वहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में बेटा हम क्या करेंगे, हमने लास्ट वीडियो तक असेसमेंट एंड ऑडिट चैप्टर तक हमने कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं डिस्कशन रिगार्डिंग डिमांड्स एंड रिकवरी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, सब्सक्राइब याचना मूथा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे हमारा चैप्टर डिमांड्स एंड रिकवरी। इसमें दो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। वैसे तो ये चैप्टर हमने क्लास में, ये क्लास के नोट्स हैं, हमने इतने सारे सेक्शंस यहाँ पढ़े थे, बट अभी के लिए यहाँ पे रिवीजन में हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे अपने आप को कंडेंस डिस्कशन ऑफ सेक्शन 73-74 में, विच इज व्हाट टैक्स नॉट पेड। टैक्स आपने पे नहीं किया या शॉर्ट पे किया या एरोनियसली रिफंडेड किया अदर देन फ्रॉड, मतलब आपका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड का, आपका इंटेंशन बिल्कुल नहीं था फ्रॉड का, बट हो गया, गलती से आपने टैक्स कम पे किया। देन या सेक्शन 74 डिटरमिनेशन ऑफ टैक्स नॉट पेड शॉर्ट पेड एरोनियसली रिफंडेड बाय रीजन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के कारण आपने अगर टैक्स नहीं पे किया, शॉर्ट पे किया या एरोनियसली रिफंड हुआ, उस केस में प्रोविजंस किसके अप्लाई होंगे बेटा, उस केस में प्रोविजंस अप्लाई होंगे सेक्शन 74 के। तो इन दोनों सेक्शन से रिलेटेड डिस्कशन हम यहां पे करने वाले हैं। सो समरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73-74 यहां पे टेबल्स दिए हुए हैं, उसमें हम यहां पे करने वाले हैं। अगर आपने जो भी टैक्स नहीं पे किया था, शॉर्ट पे किया था, आपको यहाँ पे आपने एरोनियसली रिफंड हो गया था अदर देन फ्रॉड है, और आपको क्या हैप्पी रियलाइजेशन की भाई मैंने टैक्स पे करना है, बिफोर इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस, नोटिस आपके पास आई नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको खुद रियलाइज हो गया, डिपार्टमेंट वाले ने फोन करके बता दिया, कुछ भी, बिफोर इश्यू ऑफ नोटिस आपने टैक्स पे कर दिया, टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड बिफोर इश्यू ऑफ शोकॉज नोटिस, इन दैट केस नो पेनल्टी एंड नो नोटिस शैल बी इश्यूड। ना पेनल्टी लगेगी ना नोटिस इश्यू, पूरा टैक्स पे कर दिया, 1 करोड़ की लाइबिलिटी थी आपने पूरा पे कर दिया, तो नोटिस क्यों लगेगी, आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगी। देन अगर फ्रॉड केस है और आपने टैक्स पे कर दिया, आपको पता चल गया यार चोरी पकड़ने वाले, ये पकड़ लेने वाले हैं ये लोग, पर फिर भी आपने क्या किया, आपने टैक्स पे कर दिया, तो उस केस में क्या आपको कुछ पेनल्टी लगेगी, यहाँ पेनल्टी के प्रोविजन समराइज किए हुए हैं, अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेएबल। सो यस, 15% ऑफ टैक्स अमाउंट पेएबल एज पेनल्टी एंड नो नोटिस शैल नॉट बी इश्यूड, नोटिस नहीं मिलेगी, 15% ऑफ पेनल्टी यहां पे करनी रहेगी। देन टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड विद इन 30 days ऑफ इश्यूएंस ऑफ नोटिस, आपने टैक्स पे कर दिया क्या अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, आपने अलॉन्ग विद इंटरेस्ट टैक्स पे कर दिया, टैक्स इंटरेस्ट तो पे करना ही है बेटा, इंटरेस्ट से कोई छूट नहीं है, इंटरेस्ट तो आपने पे करना ही है, गवर्नमेंट का पैसा यूज कर लिया समझ लो आपने उतने दिन, टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपने पे कर दिया कितने दिन में, 30 days में इश्यू ऑफ नोटिस से, नोटिस इश्यू करके 30 days में, उस केस में कोई पेनल्टी लगेगी कि नहीं, नो पेनल्टी नहीं लगेगी, ऑल प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड, आपको उन्होंने नोटिस दी, आपने 30 दिन में, गवर्नमेंट ने आपको बुलाया, नोटिस दी आपको 30 दिन के अंदर अंदर, आपने बोला ओके फाइन पे कर दिया, मैंने इंटरेस्ट भी पे कर दिया, टैक्स भी पे कर दिया, गवर्नमेंट खुश, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अदर देन फ्रॉड केस में आप इनोसेंट हो क्योंकि उस केस में, बट अगर फ्रॉड केस है तो 25% ऑफ द टैक्स अमाउंट पेबल एज पेनल्टी ऑल प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। अगर आपकी फ्रॉड केस है तो उस केस में क्या होगा, 25% ऑफ टैक्स अमाउंट आपको पेनल्टी लगेगी और सारी प्रोसीडिंग्स आर डीम्ड टू बी कंक्लूडेड। देन टैक्स अमाउंट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट पेड विद इन 30 days ऑफ कम्युनिकेशन ऑर्डर, ऑर्डर आपको आया, ऑर्डर के आने के बाद आपको 30 days के अंदर अंदर आपने क्या किया, ऑर्डर के अंदर, ऊपर क्या है नोटिस की बात हो रही थी और नेक्स्ट क्या बात हो रही है यहाँ पे, ऑर्डर की बात हो रही है, नोटिस की बात हो रही थी पहले और अभी ऑर्डर की बात हो रही है। ऑर्डर के केस में अगर आपने विद इन 30 days ऑफ ऑर्डर, देखो आपको नोटिस आई, शो कॉज नोटिस आई, आपने रिप्रेजेंटेशन किया या आपने नहीं किया, जो भी हुआ उसके बाद फाइनलाइज हुआ, आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बींग हर्ड की और उसके बाद ऑर्डर इशू हुआ और ऑर्डर पे आपने पेमेंट कर दिया, कितना 30 days, ऑर्डर मिला उसके 30 days के अंदर अंदर पेमेंट किया, उसमें आपको क्या पेनल्टी लगेगी, 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच एवर इज हायर, या तो 10% ऑफ टैक्स अमाउंट या 10,000 rupees विच एवर इज हायर, क्या होगी आपकी पेनल्टी होगी। बट अगर फ्रॉड का केस है बेटा और अपने आपका ऑर्डर आया उसके बाद आपने पेमेंट किया 30 days में, तो 50% ऑफ टैक्स अमाउंट पेबल इज पेनल्टी एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी डीम टू बी कंक्लूडेड, 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट आपका पेनल्टी रहेगा और सारी प्रोसीडिंग्स डीम टू बी कंक्लूडेड हो जाएगी। देन टैक्स अमाउंट इंटरेस्ट के साथ आपने 30 दिन के बाद पे किया, तो उस केस में भी फ्रॉड नॉर्मल केसेस में तो पेनल्टी सेम रहेगी, नॉर्मल केस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी है 10% ऑफ टैक्स अमाउंट और 10,000 विच अवेज आया, और फ्रॉड केस में पेनल्टी कितनी है बेटा, फ्रॉड केस में 100% ऑफ टैक्स अमाउंट आपकी क्या हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी, 100% ऑफ टैक्स अमाउंट आपकी पेनल्टी हो जाएगी। द पेनल्टी शैल ऑल्सो नॉट बी चार्जेबल इन केस वेयर द सेल्फ असेस्ड टैक्स और एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स पेड विद इन 30 days फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। अब देखो ये क्या बोलना चाह रहे हैं,
द पेनल्टी शेल ऑल्सो नॉट बी चार्जेबल इन केस वेयर सेल्फ असेस टैक्स और एनी अमाउंट, मतलब आपने सेल्फ असेस किया या कोई अमाउंट जो कि आपने एज अ टैक्स कलेक्ट किया और 30 दिन के अंदर अंदर पे नहीं किया, 30 दिन के अंदर इज पेड विद इन 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, मतलब कि पेनल्टी आपको तो भी लगेगी अगर आपने टैक्स का अमाउंट कैलकुलेट किया। देखो आपने क्या किया, मैंने आपसे टैक्स कैलकुलेट कर दिया, एज टैक्स मैंने कोई भी पैसा कैलकुलेट कर दिया, उसके बाद मेरे को उससे गवर्नमेंट को पे करना है, मेरे पास कोई राइट नहीं है वो पैसा मैं मेरे पास रख सकूं। अगर मैंने वो पैसा गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आई रिपीट, अगर वो पैसा मैंने गवर्नमेंट को पे नहीं किया है तो भी मुझे पेनल्टी लगेगी, उसमें कोई 30 डेज का एडवांटेज नहीं मिलता कि भाई 30 दिन के अंदर पे कर दो और पेनल्टी नहीं लगेगी, ऐसे कोई एडवांटेज, ये जो एडवांटेज है, ये वाला जो एडवांटेज है, नो पेनल्टी एंड ऑल द प्रोसीडिंग्स विल बी डीम्ड टू बी कंक्लूडेड अगर आप 30 दिन के अंदर पे करते हो, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल इन विच केस, इन केस आपको अगर शो कॉज नोटिस इशू हुई है किसके लिए, सेल्फ असेस टैक्स या एनी अमाउंट आपने जो कलेक्ट किया था एज अ टैक्स और गवर्नमेंट को नहीं पे किया, फिर आप इनोसेंट नहीं हो, फिर आपने चोरी करी है, ठीक है। सो दीज आर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 एंड 74 के जो पेनल प्रोविजंस है वो हमने देखे, देन समरी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 73 74 जो है वो हम यहां पे देखेंगे। नॉर्मल केसेस में व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ नोटिस एंड टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर, व्हाट आर द टाइमलाइंस, ये आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। तो नॉर्मल केस में टाइम लिमिट क्या है इश्यू ऑफ नोटिस का, नोटिस कितने दिन में इश्यू हो जानी चाहिए, 2 साल 9 महीने, 2 years 9 months फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न फॉर विच द फाइनेंशियल ईयर टू विच द डिमांड पर्टेन्स और फ्रॉम द डेट ऑफ एरोनियस रिफंड, तो 2 years 9 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न, एनुअल रिटर्न का फाइल होता है बेटा 31st of December ऑफ द प्रोसीडिंग ईयर ऑफ द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट ईयर, 31st December ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर जहां पे होता है उसके बाद 2 year 9 months के अंदर अंदर नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए, नोटिस इश्यू हो जानी चाहिए। एंड ऑर्डर कब तक हो जाना चाहिए, विद इन 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, 3 years, एनुअल रिटर्न की ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर आपका यहाँ पे ऑफिसर का पूरा असेसमेंट होके आपको ऑर्डर उसने पास कर देना चाहिए, ऑर्डर पास कर देना चाहिए। ये क्या है नॉर्मल केस। फ्रॉड केस में 4 years 6 months टाइम लिमिट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न से यहाँ पे, एंड 5 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न क्या रहेगा यहाँ पे, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर है, टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ ऑर्डर है, नॉट द डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, इट इज नॉट ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न, वॉट इज ड्यू डेट 31st December, एक्चुअल डेट कुड बी डिफरेंट, वहां से काउंट करना। एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स नॉट पेड नो टाइम लिमिट, भाई वो पैसा तो लो चुपचाप तुरंत पे कर दो गवर्नमेंट को, विद इन ड्यू टाइम आपको उसको पे करना है, उसके लिए आपको पेनल्टी का रिलैक्सेशन नहीं है। व्हाट एनी सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड एनी अमाउंट कलेक्टेड एज टैक्स एंड नॉट पेड, ठीक है। एंड ऑर्डर का इश्यू का टाइम लिमिट क्या है यहाँ पे, कोई भी ऑर्डर का इश्यू का टाइम लिमिट है विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, यहाँ पे हम ये आगे पढ़ने वाले हैं। एनी अमाउंट विच इज कलेक्टेड एज टैक्स बट नॉट पेड, ठीक है, उसका आपको आपको गवर्नमेंट कितने दिन में ऑर्डर इशू करेगी, जब भी आपको उसका नोटिस दिया उसके 1 साल के अंदर अंदर उन्हें उसका ऑर्डर इशू करना है। देन नॉन पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स, अगर आपने सेल्फ असेस्ड टैक्स पेमेंट नहीं किया है तो कोई शो कॉज की नोटिस की जरूरत नहीं, सेल्फ असेस्ड टैक्स है आपने रिटर्न में बताया है, सेल्फ असेस कर दिया, पे नहीं किया, डायरेक्टली गवर्नमेंट आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट आपकी रिकवरी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकती है। देन डिपॉजिट ऑफ एक्सेस टैक्स कलेक्टेड, कोई भी टैक्स अगर आपने एक्सेस कलेक्ट किया तो उसको डिपॉजिट कैसे करना होता है, पर्सन लाइबल टू पे टैक्स इज कलेक्टेड जीएसटी इन एक्सेस ऑफ टैक्स असेस डिटरमाइंड एंड पेड एंड अदर पर्सन इज कलेक्टेड जीएसटी एक्सेस जीएसटी और कलेक्टेड टैक्स और नील रिलेटेड एग्जाम गुड्स एंड सर्विसेज द प्रॉपर ऑफिसर शैल इशू 1 year, ये हमने जो भी देखा था कि आपने अगर किसी भी चीज को एज अ टैक्स कलेक्ट किया है या एक्सेस किया है जो भी है आपको कितने दिन में उसे अब डालना है गवर्नमेंट को, विद इन ड्यू डेट करना है, विद इन ड्यू डेट करना है। आपने नहीं किया तो क्या होगा, ऑफिसर आपको शो कॉज नोटिस देगा, उसमें पेनल्टी का कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, और ऑफिसर ऑर्डर कब पास करेगा, 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस, विद इन 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ नोटिस। व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिकवरी, रिकवरी कैसे हो सकती है, ये रिकवरी के ठीक है छोटे मोटे प्रोविजन है आप देख सकते हो। रिकवरी प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन में रिकवर द ड्यूज अंडर सेक्शन 78 इन द फॉलोइंग मैनर, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम द अमाउंट बाय टैक्स अथॉरिटीज टू सच पर्सन, टैक्स अथॉरिटी के पास ऑलरेडी कोई ड्यू पड़ा हुआ है तो उससे रिडक्शन हो सकता है। रिडक्शन बाय वे ऑफ डिटेनिंग सेलिंग एनी गुड्स बिलोंगिंग टू सच पर्सन, आपके गुड्स है टैक्स अथॉरिटीज के पास पड़े हुए तो वो उसको सेल कर सकता है, उसको डिटेन कर सकता है और उस पे से आपका रिकवरी हो सकता है। रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन फ्रॉम हुम मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू सच पर्सन, कोई थर्ड पर्सन से रिकवरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट को आपसे टैक्सेस लेना है, गवर्नमेंट को पता है कि मेरे पास आपका पैसा पड़ा हुआ है, गवर्नमेंट मुझे नोटिस भेज सकता है, मुझसे रिकवर कर सकता है। सो इट इज रिकवरी फ्रॉम थर्ड पर्सन फ्रॉम हुम द मनी इज ड्यू और मे बिकम ड्यू टू सच पर्सन, और रिकवरी फ्रॉम पर्सन हु होल्ड और मे सब्सिक्वेंटली होल्ड मनी फ्रॉम सच पर्सन। डिटेन सीज एनी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू सच पर्सन अंटिल द अमाउंट इज पेड, अगर गवर्नमेंट के पास में आपकी कोई प्रॉपर्टी रखी है, कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो द गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली डिटेन और सीज फ्रॉम दैट प्रॉपर्टी।
If the dues are not paid within 30 days, then such property to be sold and the amount payable including the cost of sale will be recovered from the said proceeds. और अगर जो भी amount है, अगर आपकी property उन्होंने detain कर ली, seize कर ली, आपने फिर भी पैसा नहीं दिया, 30 दिन के बाद government उसे बेच सकती है, उसका जो पैसा आ सकता है उससे recovery की जा सकती है. Officer will prepare certificate of dues and send it to the collector of district. ठीक है, वहां से भी recovery हो सकती है. By making application to appropriate magistrate, who in turn shall proceed to recover the amount as it is a fine imposed by him. As a fine, आपसे magistrate recover कर सकता है. By enforcing bond instrument executed under this act. अगर कोई bond instrument आपने execute किया होगा, हो सकता है provisional assessment के time किया हो, तो उसे भी किया जा सकता है. Grounds. During the pendency of proceeding under these section, if the proper officer is of the opinion that for the purpose of protecting interest of revenue, provisional attachment is required, then he can do the provisional attachment and it will be valid for how much period? 1 year from the date of order. 1 year from the date of order, आपका provisional attachment क्या रहेगा? यहाँ पे valid रहेगा. So बेटा, this is regarding what? This is regarding demand and recoveries का हमने बहुत ही छोटा सा discussion किया. ये chapter बहुत lengthy था, हमने जब class में पढ़ा था, but यहाँ पे हमने important provisions पढ़े और इसमें भी important क्या है? Penalty इसकी जो है वो बहुत important है. Time limit for issues of notice बहुत important है. And this point which is most important is, अगर आपने कोई अमाउंट ऐसा टैक्स कलेक्ट किया है तो उसमें पेनल्टी का रिलैक्सेशन नहीं मिलता है. तो यहाँ पे अभी क्योंकि रिवीजन है इसलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर नाउ. और समरी बुक प्लीज कस्टम्स की जीएसटी की अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. और ये वीडियोज अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल. थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू.